My dear students, welcome back to the channel. आज हमने discuss करने हैं कुछ frequent questions जो dimensional analysis पे 1 mark, 2 marks question आते रहते हैं. Easy हैं बिल्कुल, लेकिन थोड़े से normal questions जो हमने किए उससे थोड़ा सा हटके हैं, unique हैं. Unique means ये अपने ही type के हैं. तो इन questions को भी करना dimensions के through ही है, लेकिन technique थोड़ी सी change हो जाएगी, थोड़ा सा मेथड अपना डिफरेंट होगा. तो क्वेश्चन है पहला, इक्वेशन ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव. आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर जो लिखा हुआ है वो कहां से आया वो अभी बाद की बातें हैं. ये जो चैप्टर है ये अपने आप से नहीं बना हुआ, ये दूसरे चैप्टर्स का मटेरियल लाके इसमें डालना पड़ता है, तो ये क्वेश्चंस बनते हैं. तो ये इक्वेशन अभी मैं करवाऊंगा आपको जाके नवंबर के महीने में, अभी चल रहा है मई, तो नवंबर में जाके आनी है, बट यूज आज ही हो रही है. तो अभी इस टेंशन को मत रखिए दिमाग में कि ये कहां से टपकी, अभी सिर्फ क्वेश्चन को देखिए आप. क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव इज गिवन बाय वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. ये क्वेश्चन का पार्ट है, आपको नहीं याद करनी कहां से आई या इक्वेशन ये होती है कि वो होती है, वो आपको रट्टा नहीं मारना, क्वेश्चन में लिखा होगा. वेयर टी इज टाइम एंड एक्स इज डिस्टेंस, यानी टी के डायमेंशंस टी वाले होंगे, डिस्टेंस के लेंथ वाले होंगे, आप जानते हैं. तो डायमेंशंस की हेल्प लेके हमें क्या करना है, निकालना है व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ ओमेगा, बोलते हैं बेटा इसको ओमेगा, और इसको बोलते हैं वेव नंबर, लेकिन क्या बोलते हैं मारो गोली वो नहीं चाहिए हमें. तो हमें के और ओमेगा के सिर्फ डायमेंशन निकालने हैं, बस इतना क्वेश्चन है अपना, और इक्वेशन आपको दी हुई है. तो सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, वेरी सिंपल, जो टी रेशियोज होती हैं दे आर फॉर, टी रेशियोज आर फॉर एंगल्स. बेटा साइन थीटा कॉस थीटा एंगल का लेते हो ना, ऐसे तो नहीं मिलेगा ना लिखा हुआ टेन थीटा ऑफ 50 रुपीज, ऐसा कहां देखा आपने, या टेन ऑफ 20 न्यूटन, ऐसा तो नहीं आएगा ना. तो ये जो साइन कॉस लेते हैं वो किसके लेंगे आप, एंगल्स के. वेरी नाइस. तो इसका मतलब ये हुआ साइन ऑफ दिस ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है वो एक एंगल है. तो ओमेगा टी माइनस के एक्स शुड बी एन एंगल, लेकिन एंगल में से एंगल माइनस करेंगे तभी तो एंगल आएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है 50 रुपीज प्लस 9 पेंसिल्स इज इक्वल टू 41 टायर्स. बेटा ऐसा हो सकता है, गलत है सारा. अगर यहां पे टायर है तो इधर भी टायर्स ही होंगे, यहां भी टायर्स ही होंगे. तो उसी तरह अगर ये एंगल है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एंगल होना चाहिए क्योंकि साइन किसी एंगल का ही लेते हो, तो ये पूरा एंगल है, दैट मीन्स ओमेगा टी माइनस के एक्स करके एक एंगल आना चाहिए. तो अगर ये एंगल है, ये टायर्स हैं, तो ये भी टायर होंगे, ये भी टायर होंगे. सो इसी तरह हमें क्या लिखना है कि ये जो ओमेगा टी है और ये के एक्स जो है, ये पूरा का पूरा जो है ना ये एंगल को रिप्रेजेंट करे, तब बेटा ये इक्वेशन सही होगी डिमेंशनली. तो हमें कह रहे वो कोई कैलकुलेशन तो नहीं करना कि कितना एंगल आया कितना नहीं आया, हमें सिर्फ पूछा है कि के का डिमेंशन यानी के का यूनिट क्या होगा और ओमेगा का यूनिट क्या होगा. यूनिट को ही हम डिमेंशन बोलते हैं बेसिकली. तो जैसे किलोमीटर हो उसको हम लिखते हैं डिमेंशन ऑफ लेंथ, सेकेंड हो आर हो उसको डिमेंशन ऑफ टाइम, और इसी तरह बेटा किलोग्राम हो क्विंटल हो ग्राम हो उसको हम मास का डिमेंशन बोलते हैं. तो हमें बताना है कि ओमेगा के डिमेंशंस क्या होंगे और के क्या होंगे, ताकि ये भी एंगल बन जाए और ये भी एंगल हो, क्योंकि एंगल में से एंगल माइनस करने पे ही एंगल आएगा.
इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा इनटू टाइम जो है उसके डायमेंशन एंगल वाले होने चाहिए, बट एंगल के डायमेंशन लिखने का तरीका मैंने बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, देन इट मींस डायमेंशंस ऑफ एंगल, यहां भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए। तो ओमेगा टी के डायमेंशंस एंगल वाले होने चाहिए, दैट मींस ओमेगा के डायमेंशंस इनटू टी के डायमेंशन बेटा टाइम वाले लिखेंगे, और एंगल के डायमेंशंस क्या थे, बहुत अच्छे, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब ना मास होगा इसमें, ना लेंथ होगा, ना टाइम होगा, जिसको हमने वन लिखा था, याद करो, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन, तो वन इंटू वन इंटू वन इज वन। तो हमें निकालना है कि ओमेगा के डायमेंशंस क्या होंगे, सो ओमेगा के डायमेंशंस होंगे वन बाय डायमेंशंस ऑफ टाइम, यानी कि टी माइनस वन, ये आपका पहला आंसर आ गया। नो डिफिकल्टी आई थिंक। साइन कॉस टैन जो है वो एंगल के लिखे जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इज एन एंगल, ब्रैकेट में दो टर्म्स थी तो दोनों टर्म्स एंगल एंगल आनी चाहिए, तो ओमेगा टी भी एंगल होना चाहिए, एंड जो के एक्स है, के एक्स इसके डायमेंशन भी एंगल वाले आने चाहिए, अगेन एंगल को वन लिखिए, के के डायमेंशन तो निकालने हैं, वो क्वेश्चन है अपना, और एक्स क्या था, एक्स इज डिस्टेंस, डिस्टेंस के डायमेंशन लेंथ वाले आएंगे, तो के डायमेंशंस हो गए क्या, एल को नीचे लेके जाएंगे जैसे यहां पे लेके गए, तो एल माइनस वन आंसर आ गया। ये क्वेश्चन अगर आया एग्जाम में तो वन से टू मार्क्स का होगा, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, होना उसी तरीके से है, थोड़ा सा टेक्निक चेंज हो जाएगा। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय वी इक्वल टू ए प्लस बी ओवर सी प्लस टी स्क्वायर, यहां पे टी जो है वो टाइम है, तो क्वेश्चन है व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी, ये जो ए बी सी कॉन्स्टेंट्स है इनका डायमेंशन क्या होगा। क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में भी आता है, क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, यानी कि जेई और नीट जो है मेडिकल के एग्जाम और जो इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम है उसमें भी आता रहता है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, स्कूल एग्जाम में भी मिलेगा आपको। ओके, सो यहां भी आप देख रहे हैं तीन टर्म्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे एक, राइट हैंड साइड पे एक टर्म ए है और एक टर्म ये पूरी है बी ओवर सी प्लस टी स्क्वायर। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी है तो राइट हैंड साइड पे भी वेलोसिटी होनी चाहिए और ये भी वेलोसिटी होनी चाहिए, तो वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, बहुत अच्छे, एल टी माइनस वन, टीचर ने बोला तो एम जीरो भी डाल देना साथ में, टीचर नहीं माइंड करता तो सिर्फ एल टी माइनस वन लिखिए चलेगा, मेरा टेस्ट जब देंगे तो एल टी माइनस वन इज एक्सेप्टेबल, ये वेलोसिटी के डायमेंशंस हो गए। अब सी में ध्यान से देखो बेटा, टाइम का स्क्वायर ऐड किया, सी में टाइम का स्क्वायर ऐड किया, दो चीजें तभी ऐड होंगी अगर उनके डायमेंशन सेम होंगे, प्रेशर में प्रेशर ऐड होगा, वॉल्यूम में वॉल्यूम ऐड होगा, टाइम के स्क्वायर में टाइम का स्क्वायर ऐड होगा। तो अब आप लिखेंगे सिंस सी इज एडिड टू टी स्क्वायर, देयरफॉर सी के डायमेंशंस जो हैं वो टाइम के स्क्वायर वाले होने चाहिए। होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। दो चीजें तभी ऐड हो सकती हैं अगर उनके डायमेंशंस इक्वल है। ओके, अब चलते हैं आगे, अब हमें पता लग गया सी के डायमेंशंस क्या है। अब फर्दर हमें यह भी पता है कि अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी है और ये पूरा भी वेलोसिटी है, बहुत अच्छे। तो वेलोसिटी के डायमेंशन एल टी माइनस वन,
तो ए के डिमेंशंस जो हैं वो, क्योंकि ये वेलोसिटी है, पूरा वेलोसिटी होना चाहिए, तो ए के डिमेंशंस वेलोसिटी वाले, यानी कि एल टी माइनस वन। बेटा ए भी आ गया, सी भी आ गया, अब बचा के बी का आंसर क्या आएगा। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है सारा कुछ, बस एक जो कॉन्सेप्ट छोटा सा वो समझना है। वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी, ये पूरा वेलोसिटी है, तो बी डिवाइड बाय सी प्लस टी स्क्वायर। बी को सी प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये पूरा वेलोसिटी बनना चाहिए। वेलोसिटी के डिमेंशंस एल टी माइनस वन, बी के निकालने हैं यहीं छोड़ दो। अब सी जो है वो टाइम के स्क्वायर में ऐड किया, अगर बेटा रुपीज में रुपीज ऐड करते हैं तो रुपीज आते हैं, टाइम के स्क्वायर में टाइम का स्क्वायर ऐड करेंगे तो टाइम का स्क्वायर आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी इधर ऊपर न्यूमरेटर में ले जाइए और बी का आंसर भी आ गया, एल टी माइनस वन इंटू ऊपर जाके ये टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड बाय था। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ऐड मतलब टू माइनस वन, टू माइनस वन क्या आया बेटा वन, तो बी के डिमेंशंस जो हैं वो एल इंटू टी वाले आ गए। तीनों आंसर आपके सामने हैं। चलो फिर से पॉज करो और नोट डाउन करो। चलिए थर्ड क्वेश्चन ऑन सिमिलर लाइंस। इफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एफ इज फोर्स इज गिवन एज अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट ऑफ डी वेयर डी इज डेंसिटी। क्वेश्चन में लिखा होगा सारा कुछ, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी, आपको जो जो चीजें चाहिए होंगी सॉल्यूशन में वो सब गिवन होंगी पहले से। तो फोर्स जो है वो अल्फा और बीटा पे डिपेंड करती है, एज अल्फा ओवर बीटा प्लस रूट ऑफ डेंसिटी, डी डेंसिटी है यहाँ पे। तो क्वेश्चन है अल्फा और बीटा के डिमेंशन निकालिए, ये भी क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का स्कूल एग्जाम में भी आएगा और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी आएगा। चलिए अब थोड़ा सा आउटलाइन आपको पता लग गया होगा क्या करना है, तो आप ऐसा करिए वीडियो को यही पॉज करके, मैं सॉल्व करके दूंगा पूरा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसके बाद आप खुद सॉल्व करिए इसको कि आपका अल्फा और बीटा क्या आता है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने ऐसा अब कर लिया है। चलिए अब देखते हैं कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया, या जो बच्चे अभी नहीं कर पाए उनके लिए सॉल्यूशन पे आते हैं। एफ फोर्स है तो ये पूरा का पूरा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे एक ही टर्म है, एक टर्म है, तो बेटा इस पूरे के डिमेंशन जो है वो फोर्स वाले आने चाहिए। तो जो कॉन्सेप्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किया कि अगर दो चीजों को ऐड किया गया है तो वो ऐड तभी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट तभी हो सकते हैं अगर इनके डिमेंशंस सेम होंगे। तो पहले हमें बीटा के डिमेंशन निकालने पड़ेंगे, तो आप लिखेंगे सिंस बीटा इज एडिड टू डेंसिटी स्क्वायर रूट, तो फिर बीटा के डिमेंशंस स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी वाले होने चाहिए, यानी कि डेंसिटी का पावर हाफ। बेटा रूट क्या होता है, हाफ पावर होता है ना, तो डेंसिटी के डिमेंशंस क्या थे, वेरी नाइस, एम एल माइनस थ्री। तो बेटा पावर के बाहर एक पावर हो तो बताया हुआ आपको कि वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एम पावर वन को हाफ से मल्टीप्लाई किया, एम हाफ, एल पावर माइनस थ्री को इंटू हाफ किया, माइनस थ्री बाय टू, ये बीटा के डिमेंशन आ गए। अब हमें निकालने अल्फा के डिमेंशन, तो ये पूरा का पूरा टर्म अल्फा ओवर बीटा प्लस रूट ऑफ डी, ये पूरा का पूरा टर्म जो है, इधर फोर्स है तो ये भी पूरा फोर्स होना चाहिए, फोर्स के डिमेंशन आप जानते हैं आप क्या,
एम एल टी माइनस टू, तो अल्फा के निकालने हैं, ये निकाल चुके हैं आप बेटा, दो चीजें ऐड होंगी तभी अगर उनके डिमेंशन सेम होंगे, तो बीटा के डिमेंशंस और रूट ऑफ डेंसिटी के डिमेंशन सेम हैं, तो रुपीज में रुपीज ऐड किया तो रुपीज आते हैं, डेंसिटी के रूट में डेंसिटी का रूट ऐड किया तो डेंसिटी का रूट आएगा, यानी उसके डिमेंशंस थे एम हाफ एल माइनस थ्री बाय टू, राइट हैंड साइड पे फोर्स चल रहा था उसको ऐसे लिखो। अब अल्फा को छोड़ो लेफ्ट पे और जो नॉन क्वांटिटीज है उनको राइट पे लेके जाओ, यानी मल्टीप्लाई करो, तो एम पावर वन पहले ही था, एक हाफ पावर और आ गया, एल पावर वन पहले ही था और ये माइनस थ्री बाय टू और आ गया, टी सिंगल ही है तो वन एंड हाफ कितना लिखोगे, थ्री बाय टू, वेरी नाइस, वन में से थ्री बाय टू माइनस किए माइनस हाफ एंड टी पावर माइनस टू, अल्फा का आंसर भी आ गया और बीटा के डिमेंशंस भी आ गए। मुझे नहीं लगता मुश्किल लगा होगा, रीजन कई क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे आप। चलिए जिन्होंने कर लिया है मैच हो गया आंसर, वेरी नाइस, नहीं मैच हुआ या नहीं कर पाए तो नोट डाउन करो, और जिनका कुछ गलती हो गई है वो ढूंढो कहाँ पे गलती की उन्होंने, और फ्यूचर में बेटा अपने जो मिस्टेक्स हैं वो हमने साथ साथ में देखते रहने हैं, आपको अपनी कमियां पता हैं, आप अपने सबसे बढ़िया टीचर हैं खुद से, अ पर्सन इज बेस्ट टीचर फॉर हिमसेल्फ हरसेल्फ, रीजन बीइंग आप अपने ब्रेन को सबसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन उसको ट्रेन करना है, शाम को आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि आज मैंने कौन सी चीज़ इम्प्रूव कर ली है, पहले से बेटर कर ली है, यानी अब मैं चीज़ों को और अच्छी तरह से हैंडल कर पाता हूँ, सो यू मस्ट कीप इम्प्रूविंग, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने इम्प्रूव नहीं किया अपने आप को, आप आगे नहीं बढ़े तो फिर आपकी जो ज़िंदगी है वो सक्सेसफुल नहीं है, सो टू अटेन सक्सेस यू शुड ऑलवेज कीप ग्रोइंग 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 ग्रोइंग। तो जिनमें कुछ ये पावर्स वगैरह की प्रॉब्लम आई, कुछ बच्चों की मुझे लगता आ गई होगी, तो देख लीजिए कि आप कहाँ पे गड़बड़ करते हैं, माइनस करने में क्या इश्यूज हैं आपके, तो वो आपके जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, लिमिटेशंस हैं, उनको रिमूव करते जाइए साथ साथ में, देखिए अपनी गलतियाँ कहाँ पे हैं, ग्रे एरियाज ढूंढिए अपना और उनको साथ साथ में रेक्टिफाई करिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने आज क्वेश्चन कराए आपको, तीन पहले चौथा ये वाला जा रहा है, ये क्वेश्चन जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ टुडे, तो ये क्वेश्चन भी स्कूल एग्जाम में एमसीक्यू में यानी जेईई और नीट सब में आता है बेटा, हर जगह छाया हुआ है, थोड़ा सा कई बार मॉडिफाई भी कर देते हैं, तो पहले क्वेश्चन समझे ध्यान से क्या है, जो बच्चों ने कल डाउट सेशन लिया था उनको मैंने करा दिया एक बार, बट सभी ने नहीं किया इसलिए करेंगे दोबारा से। फॉर आर रियल गैस मीन्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, कोई भी गैस वो रियल गैस है, एक आइडियल गैस भी होती है, वो केमिस्ट्री वाले टीचर कराएंगे आपको। फॉर आर रियल गैस प्रेशर पी, गैस का प्रेशर होता है, साइकिल में हवा भरते हो ना पंप से तो एयर का प्रेशर होता है, एक टायर के अंदर एयर का वॉल्यूम भी होता है और एक टायर के अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर भी होता है कि कितने डिग्री सी पे है, गर्मियों में देखा होगा कई बार टायर फट जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से एक्चुअली प्रेशर बढ़ जाता है, वो केमिस्ट्री में करेंगे आप, ये तो सारा जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ क्वेश्चन है तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि ये कहाँ से आया कहाँ से टपका, बार बार बोल रहा हूँ इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर दी होगी, वो कहाँ से आई उससे कोई लेना देना नहीं है, केमिस्ट्री की इक्वेशन है वैसे फिजिक्स की नहीं है। प्रेशर ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस, वो इस इक्वेशन के थ्रू लिंक्ड रहते हैं, ये रिलेशन है उनका, जैसे फोर्स मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन, ये फिजिक्स में पढ़ा आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्वेश्चन लिखा हो कि फोर्स इज रिलेटेड टू मास एंड एक्सेलरेशन लाइक दिस,
उसी तरह से एक गैस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ऐसा एक रिलेशन होता है, इसको हम वांडर वॉल्स इक्वेशन कहते हैं। केमिस्ट्री के टीचर कराएंगे आपको, चिंता मत करो, या शायद कुछ नहीं कर लिया होगा। वांडर वॉल साइंटिस्ट का नाम है, इसको रियल गैस इक्वेशन, वांडर वॉल्स इक्वेशन दोनों नाम दिए जाते हैं। पर हमें क्वेश्चन कुछ और करना है, हमें तो फिजिक्स में जाना है। तो फिजिक्स में क्या पूछा है हमें, आर इज गैस कांस्टेंट, आर को गैस कांस्टेंट बोलते हैं, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। हमें पूछा है कि डिमेंशंस ऑफ ए, ए इज अ कांस्टेंट एंड बी निकाल दो, बस इतना ही काम है हमारा। तो उसके पीछे लॉजिक वही रहेगा पहले वाला। प्रेशर में प्रेशर ऐड हो सकता है, वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस कर सकते हैं। जो डिमेंशनल एनालिसिस की फिजिक्स है वो तो इतनी ही है बस। रुपीज में रुपीज ऐड होंगे, रुपीज में से रुपीज माइनस होंगे। टायर्स में टायर्स ऐड कर सकते हो, आंसर इक्वल टायर्स आएगा। एक दुकान के अंदर 50 टायर थे, तो 50 टायर्स में से आज मान लो सिर्फ 5 टायर बिके, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, दुकान तो खुलती नहीं है, थोड़ी देर के लिए खोलते हैं। तो 50 टायर में से जब 5 टायर बिक गए, तो शाम को हमने शेल्फ पे देखा कि कितने टायर बचे हुए हैं, तो बेटा आंसर आएगा 45 टायर्स। तो टायर्स में से टायर्स माइनस होंगे, आंसर टायर आएगा। वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस होगा, आंसर भी वॉल्यूम आएगा। एग्जैक्टली उसी तरह बेटा, प्रेशर में प्रेशर ऐड हो सकता है, वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस हो सकता है। कंपनी के पास 50 टायर पहले से थे, 50 और उतार दिए ट्रक ने आके, तो 50 + 50 बोलेंगे, 100 टायर हो गए। इतना ही कॉन्सेप्ट है, और कोई पंगा नहीं है। बाकी क्वेश्चन दिखने में थोड़ा बल्की लग रहा है, आंसर इतना बल्की नहीं है, आंसर छोटा सा ही है। चलिए, तो फिजिक्स अपनी सिर्फ इतनी है कि सिमिलर क्वांटिटीज को जिनके यूनिट सेम है, जिनके डिमेंशन सेम है, उनको हम ऐड कर सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मेन लॉजिक ये है बस। तो अगर ये लॉजिक समझ में आ गया, फिर क्वेश्चन में है ही कुछ नहीं है, बाकी तो आपको डिमेंशन लिखने हैं। तो वॉल्यूम के डिमेंशन पता सभी को क्या, L3, बहुत अच्छे। प्रेशर के डिमेंशन बेटा बाहर बहुत बार यूज होंगे, प्रेशर के डिमेंशन मैं लिख देता हूं यहां पे। वॉल्यूम के डिमेंशन आपने बोले L3, प्रेशर था बेटा फोर्स अपॉन एरिया, किसी को नहीं याद बता देता हूं दोबारा फिर से। फोर्स के डिमेंशंस होते हैं mLt-2, एरिया के होते हैं L2, एक L कैंसिल, तो प्रेशर के डिमेंशंस थे mL-1 t-2, मैंने कर दिया साइड में, लेकिन इन फ्यूचर आपने करना नहीं है, आपको ये अब रटा होना चाहिए क्विकली। टीचर ने पूछा कि प्रेशर, आप बोलेंगे mL-1 t-2। तो जितना ये ज़्यादा आपको कंटेंट याद होगा, उतना क्वेश्चन आपका जल्दी खत्म होगा, गलती होने के चांस भी कम होते हैं, क्योंकि ये निकालने में कोई गलती हो सकती है। अगर रट्टा ही मारा हुआ है उसमें क्या गलती होनी बेटा, वो तो सही आएगा बिल्कुल। तो इनको याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। ओके, सो अब ए और बी पे चलते हैं। तो सबसे पहले ये वाला आसान है, ये खत्म कर देता हूं। तो लिखना है सिंस बी इज सब्ट्रैक्टेड, किसमें से, फ्रॉम वॉल्यूम। तो दो चीजें अगर सब्ट्रैक्ट की है, माइनस की हुई है, तो वो तभी माइनस हो सकती हैं अगर उनके डिमेंशंस सेम होंगे। तो देयरफॉर बी के डिमेंशंस वॉल्यूम वाले आएंगे, और वॉल्यूम के डिमेंशंस L3, पहला आंसर आ गया। यहां से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, आपने क्वेश्चन आंसर दोनों नोट करने हैं। चलिए, बी निकल आया, अब हमें निकालना है ए। यहां देखिए ध्यान से, सिंस ए अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर, ए अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर इज एडिड टू प्रेशर, पी इज प्रेशर, तो इसके डिमेंशन और प्रेशर के डिमेंशंस आएंगे सेम। देयरफॉर ए डिमेंशंस वॉल्यूम स्क्वायर डिमेंशंस इक्वल टू प्रेशर के डिमेंशंस। अब ए के डिमेंशन निकालने हैं, उसको यही छोड़ो। वॉल्यूम के डिमेंशन L3 होते हैं, लेकिन L3 का स्क्वायर करेंगे तो
बी केयरफुल, कई बच्चे एल क्यूब के स्क्वायर को एल पावर 9 लिख देते हैं। बेटा बहुत बड़ी गलती करते हो। पावर के बाहर एक और पावर हो तो पावर्स गेट मल्टीप्लाइड, बी केयरफुल। तो नीचे लिखना है आपको एल पावर 6। रीजन क्या है ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, स्क्वायर मतलब दो बार लिखना है इसको, L3 दो बार लिखा, बेस बेस सेम, तो पावर्स गेट एडेड, पावर एड हो जाएंगे बेटा, एल पावर 6 आएगा। तो कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन जिनको अच्छी तरह से आता है मैथमेटिक्स, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो ए बाय वॉल्यूम स्क्वायर यानी एल 6 इक्वल टू प्रेशर के डिमेंशंस, प्रेशर यानी एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये एल पावर 6 फिर इधर ले जाइए, यहां डिनोमिनेटर में था उधर जाके न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो डिमेंशन ऑफ ए इक्वल टू एम सिंगल था, एल 2 हो गए, एक एल माइनस 1 था, एक एल पावर प्लस 6 आ गया इधर से, एंड टी पावर माइनस 2। तो एम एल 5 टी माइनस 2, ये आपका डिमेंशन ऑफ ए आ गया, ये आपका डिमेंशन ऑफ बी आ गया। दो आंसर निकला है, बस यही निकालना था बेटा, होप मुश्किल नहीं लगा होगा। दोबारा फिर देख लीजिए, प्रेशर में प्रेशर ऐड हो सकता है, तो ए बाय वॉल्यूम का स्क्वायर जो है उसके डिमेंशन प्रेशर वाले आएंगे, वॉल्यूम के डिमेंशन एल 3 होते हैं, एल 3 का स्क्वायर किया, स्क्वायर था ना यहाँ पे बेटा ए अपॉन वी स्क्वायर, स्क्वायर किया तो एल 3 दो बार आया तो ये बन गया एल पावर 6। प्रेशर के डिमेंशन एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एल पावर 6 ऊपर लेके गए तो पावर्स ऐड हो जाती है, अगर बेस सेम हो तो एल एल बेस सेम था, पावर 6 माइनस 1 5 आ गई, बाकी वो m और t माइनस 2 जैसे थे वही रहे। इधर वॉल्यूम में वॉल्यूम माइनस किया जा सकता है, तो b के डायमेंशन जो है वॉल्यूम वाले आएंगे, आंसर इज l क्यूब। सो होप ये भी क्लियर हो गया होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमंग ऑल द 4 जो मैंने आपको कराए, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है।